स्टार्ट करते हैं टेंथ क्लास साइंस बायोलॉजी लाइफ प्रोसेसेस पार्ट फोर से, जिसमें वी विल स्टडी अबाउट हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। ईच ऑर्गेनिज्म इज़ अडॉप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर चुका है, वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसका टेम्परेचर उसके आसपास का बहुत ही हॉट है, तो वो उसकी बॉडी उस तरह से है कि वो उस टेम्परेचर में अपने आप को सर्वाइव रख सके, जिंदा रख सके। सेम वे में अगर बाहर बहुत ठंड है तो ऑर्गेनिज्म उसी हिसाब से अडॉप्टेड होता है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की फॉर्म कि किस तरह से जो न्यूट्रिशन है वो लिया जाता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स के थ्रू, वो डिपेंड करता है कि उनके आसपास किस तरह का और कितना फूड अवेलेबल है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी और मोबाइल वुड अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज एक्सेस्ड एंड व्हाट इज़ द न्यूट्रिटिव अपैरेटस यूज्ड बाय अ काउ एंड अ लॉयन। यानी कि अब अगर हमें देखना है कि फूड स्टेशनरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ग्रास है वो मूव नहीं कर सकती, तो इट्स अ स्टेशनरी फूड सोर्स। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। और फिर एक फूड सोर्स हो सकता है जो मोबाइल हो, जो कि डियर के केस में देखने को मिलता है कि जो डियर है वो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। सो उसकी वजह से क्या होगा, वुड अलाउ द डिफरेंसेस, इसकी वजह से डिफरेंस आएगा कि किस तरह से एक काऊ अपना फूड लेती है और एक तरह से किस तरह से एक लॉयन अपना फूड लेता है। दोनों के फूड लेने की जो भी मतलब एक्टिविटीज़ हैं या जो भी प्रोसेस है उसमें चेंज हो जाएगा, बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज, जस्ट बिकॉज जो फूड सोर्स है वो कितना डिफरेंट है। देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज बाय विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज बाय द ऑर्गेनिज्म। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के थ्रू कि वो फूड सोर्स किस तरह से लेते हैं, वो किस तरह से यूज करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन यानी सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं। मतलब कि वो क्या करते हैं, फूड अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बॉडी के बाहर ही, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जांपल्स जो इसके देखने को मिलते हैं, दैट इज़ फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड्स, ठीक है, यानी कि फंजाई टाइप के ब्रेड मोल्ड्स हो गए, यीस्ट और मशरूम्स, ठीक है। अदर टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी। बाकी क्या करते हैं, पूरा का पूरा मटेरियल ले लेते हैं और बॉडी के अंदर ही उसको ब्रेक डाउन करते हैं। सो देयर आर टू वेज वी जस्ट सॉ। फर्स्ट में उन्होंने बाहर ही उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, फिर एब्जॉर्ब किया, जैसे कि फंजाई जो ब्रेड वगैरह पे लगते हैं, यीस्ट या मशरूम। दूसरे तरीके में हमने क्या देखा कि पूरा का पूरा मटेरियल बॉडी के अंदर ले लिया गया, उसके बाद उसको ब्रेक डाउन किया गया, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। वॉट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड ऑन द बॉडी डिज़ाइन एंड फंक्शनिंग, यानी कौन सी चीज़ ली जा सकती है और ब्रोकन डाउन मतलब कौन सी चीज़ कन्वर्ट हो सकती है ईजी फॉर्म में, वो डिपेंड करता है बॉडी के डिज़ाइन पे और फंक्शनिंग पे। सम अदर ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल विदाउट किलिंग दैम। कुछ और ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो न्यूट्रिशन लेते हैं बट वो ऑर्गेनिजम्स को मारते नहीं हैं, ठीक है। नाउ दिस पैरासिटिव न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी इज यूज बाय अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक कस्किटा, टिक्स, लाइस, लीचेज एंड टेप वॉर्म। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये जो भी इनका होस्ट होता है उसको मारते नहीं हैं, बल्कि उनके ऊपर एक पैरासाइट की तरह रहते हैं, उनकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, बट दे डिड नॉट किल देम, या फिर उनको किसी भी तरह नुकसान नहीं, मतलब नुकसान पहुँचाते हैं बट लाइक फाइनल नहीं मारते हैं, थोड़ा थोड़ा इनसे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, इसलिए इसको पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बोला जाता है। सो दिस वॉज अबाउट हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये था पार्ट फोर लाइफ प्रोसेसेस का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। उसके अलावा डायरेक्टली आप मेरे चैनल पे जाके टेंथ साइंस प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जो आपको प्लेलिस्ट ऑप्शन या होम पेज पे मिल जाएगी, उसमें आपको बाकी के सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।